कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, कितनी देर से मैं बैठा पड़ा हूँ। तुम केजरीवाल जी की कम से कम आधा घंटे से दाढ़ी बना रहे हो, कितना वक्त लगेगा अभी बैठे बैठे मुझे। ये तो इंतजार की इंतहा हो गई। तुम्हारी दुकान पे जब भी बाल कटाने या दाढ़ी बनवाने के लिए आओ, इतनी देर इंतजार करना पड़ता है। देखो मोदी जी, आप तो ज्यादा बोलो ही मत, आपका नंबर अभी नहीं आने वाला है। सबसे पहले शिवराज सिंह जी का नंबर आएगा, उसके बाद अमित शाह जी का, फिर लालू जी का, योगी जी का और राहुल का, उसके बाद सबसे आखिर में आपका नंबर आएगा। लेकिन अखिलेश, इस तरीके से तो बैठे बैठे मुझे शाम हो जाएगी। तुम्हारी दुकान पे इंतजार बहुत करना पड़ता है। ऐसा करो अखिलेश, पहले मेरी दाढ़ी बना देना, शाम को चाय पिला दूंगा बढ़िया वाली। देखो मोदी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसका नंबर है, नंबर लाइन से ही चलेगा। ये चाय का लालच तो मुझे दो मत। माना कि आपकी चाय की दुकान है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप मुझे चाय पिला दोगे तो मैं आपकी जल्दी दाढ़ी बना दूंगा या आपके जल्दी बाल काट दूंगा। मोदी जी, ये गलत बात है, इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए आपको। हम भी तो बैठे पड़े, इस तरीके से हमारी मिठाई की दुकान है, हम भी तो अखिलेश से कह सकते हैं कि शाम को हम तुम्हें दो गुलाब जामुन खिला देंगे, हमें पहले दाढ़ी बना दो। लेकिन नहीं, जिसका पहले नंबर है उसका पहले ही नंबर लगेगा। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अखिलेश से हो रही है, अखिलेश से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, अखिलेश से भी बात कर रहे हो तुम? अखिलेश हमसे बगैर पूछे आपके बालों की पहले कटिंग थोड़ी कर देगा। अरे हम भी तो पहले से लाइन में खड़े हुए हैं, यानी के बैठे हुए हैं दुकान पे, इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। क्यों लालू जी? अरे अमित शाह जी, आप बेफालतू में चिंता क्यों कर रहे हो? जिसका जो नंबर है, शुरू से उसी के पहले बाल कटेंगे। मोदी जी के बोलने से कुछ थोड़ी होगा। मोदी जी, आपको इंतजार करना है, करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी दूसरे की दुकान पे चले जाओ बाल कटाने। यहाँ तो एक एक करके जो पहले आया है उसके पहले बाल कटेंगे, जो बाद को आया है उसके बाद को बाल कटेंगे। तो अखिलेश, मैं अब कुछ बोल रहा हूँ, मैं आराम से बैठा तो हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, अब भी बेफालतू में तुम बोले जा रहे हो। लेकिन अखिलेश, एक बात कहूँ, तुम्हारी दुकान पे बैठे बैठे वाकई में घुटने दर्द करने लगते हैं, बाल कटाने वालों की बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। वैसे लालू जी, एक बात बताऊं, अखिलेश से अच्छे बाल कटिंग कोई नहीं करता है, ना अखिलेश से अच्छी कोई दाढ़ी बनाता है, इसीलिए इसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है। अखिलेश, सच सच बताना, दिन भर में कम से कम शाम तक तुम 200 रुपए कमा के उड़ते होगे इस दुकान से। बहुत कमाई करते हो तुम, बहुत भीड़ रहती है तुम्हारी दुकान पे, बहुत इंतजार करना पड़ता है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस अड्डे पे ही अंधेर नगरी नहीं चलेगी, मैं किसी हाल में भी ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे मोदी जी? ये बताओ, आपसे कोई दौलत लेते हैं हम? आपकी दिन भर की कमाई का सिर्फ 20% ही कमीशन तो लेते हैं। ये बताओ राहुल, तुम 20% कमीशन किस बात का लेती हो? दिन भर हम अपने कंधे पर बोझा उठाकर कुली का काम करते हैं, तुम हमसे शाम को हम जितना भी दिन भर में कमाते हैं उसका 20% कमीशन ले लेती हो? किस बात का कमीशन लेती हो ये? मोदी जी, आपको शायद पता नहीं है, मैंने इस बस अड्डे का ठेका सरकार से ले रखा है, मुझे ठेके का पैसा देना पड़ता है, और यहाँ पर जितने भी कुली काम करने के लिए आते हैं उनकी उस कमाई में से 20% कमीशन लेता हूँ मैं। मोदी जी, 20% बहुत होता है। कल मैंने 200 रुपए कमाए, उसमें से 40 रुपए मुझे इन राहुल को देना पड़ गए, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कमीशन कम करो भाई राहुल। अच्छा एक बात बताओ राहुल, तुमने सरकार से कुली को काम करवाने के लिए इस बस अड्डे का कितने रुपए में ठेका लिया है? अरे 20% के हिसाब से हमसे पैसे लेने पर तो तुम्हारे एक महीने में बहुत रुपए हो जाते होंगे। देखो मोदी जी, मैंने कितने में भी ठेका लिया हो, इससे आपको क्या लेना देना? हर कोई आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। मैंने ठेका माना के 10,000 का लिया है, कभी महीने में मैं 15,000 रुपए कमा लेता हूँ तो कभी 8,000 रुपए कमा पाता हूँ। इस तरीके से घाटा फायदा तो लगा रहता है। मोदी जी, आपको लगता है कि राहुल भैया बहुत कमाते होंगे, लेकिन खास बचत नहीं होती है इन्हें इस कुली के ठेके में। अखिलेश, तुम तो राहुल की तरफ से बोलोगी, क्योंकि दिन रात तुम राहुल के ही साथ रहती हो। मोदी जी, इस राहुल से कहो कि इस कमीशन के पैसे कम करे, 20% हम कमीशन नहीं देंगे, नहीं तो हम ये कुलीगिरी का काम छोड़ रहे हैं, 10% कमीशन में काम करेंगे हम। मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी कमाई में से 20% पैसा दे दो, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। देखो राहुल, ये तो मैं मानता हूँ कि तुम इस बस अड्डे के कुली के काम करवाने के लिए सरकार से ठेका लेते हो और कुछ पैसा तुम सरकार को देते ही हो, लेकिन हम सारे कुली लोगों से पैसा कम कर दो, 20% बहुत ज्यादा रुपया होता है। चलो मोदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, बीच में 15 रुपए कमीशन लिया करूंगा मैं तुमसे। जाओ, कोई नई बस आ गई, उसमें बहुत से लोग सामान उठवाने के लिए खड़े, जाओ जल्दी जाओ, काम पर लगो और चैनल को सब्सक्राइब करो।